हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज अनु श्रीवास्तव। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ में बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि क्लास टेंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो देख लेते हैं, थेल्स थ्योरम पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्ट एग्जाम में, या तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलेंगे जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, इफ अ लाइन। अब देखिए ये दो तो इजी पता है आपको, थेल्स थ्योरम बीपीटी, बट आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल है, तो एक साइड जो है एक लाइन है वो एक दूसरी लाइन के क्या है पैरेलल है, और जो इंटरसेक्ट उसको कर रही है टू पॉइंट पे, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन जो है ये वाली और ये दोनों क्या है सेम रेशियो में। तो यहाँ पे फिगर देखिए मैंने बना रखा है ए डी, यानी आपको प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखिए एक लाइन है डी ई पैरेलल टू बी सी, वो इंटरसेक्ट क्या कर रही है अदर टू लाइन को, कौन से पॉइंट पर, डी और ई पर। ठीक है, अब मैंने क्या किया क्या इसमें इसमें करना है आपको कंस्ट्रक्शन, क्या करना है आपको कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, ई से एफ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, डी से ई ई पर परपेंडिकुलर आपने डाल दिया। ये परपेंडिकुलर इसलिए डाला क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया से हाफ बेस इनटू हाइट मिलेगा तभी ये बेस मिलेंगे। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में देखिए डी ई बी, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ऐसे डी ई सी का निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, और हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो देखिए कैसे करना है, इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको। तो प्रूफ देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए डी एंड डी जी परपेंडिकुलर ऑन ए, इतनी बात समझ गए, ये ऑलरेडी इसमें बना रखा है। अगर हम एरिया यहाँ से कैलकुलेट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो क्या हो जाएगा हाफ बेस, बेस यहाँ पे कितना है, बेस अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल में तो ए डी का एरिया इस वाले पहले ले रहे हैं इस वाले पोर्शन को ए डी, और इसकी जो हाइट है वो क्या है ई एफ, ये बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, क्योंकि ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है तो ट्रायंगल ये हाइट है और ये बेस है। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से समझेंगे डी ई बी, डी ई बी ये वाला ट्रायंगल लेना है डी ई बी। अब देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ, ये ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। अब इसकी हाइट तो हमें कहीं दिख नहीं रही, लेकिन हाइट ये होगी इसकी, हाइट इसकी ये है ये वाली, इस तरीके से आपको दिख रही होगी लाइन, ये जो दिख रही है ये हाइट नहीं है इसकी, हाइट ये है, ये देखिए ड्रा की है, ये वाला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल यही है डी ई बी लेकिन इसकी हाइट कौन सी है एफ ई, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसके लिए बेस, अब बेस देखो कौन सा, बेस तो बी टी है और इंटू हाइट इसकी क्या है ई एफ। ठीक है, इसको कर लेते हैं डिवाइड, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इज इक्वल टू, अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर वन, क्लियर। अब ऐसे ही इधर आ जाइए आप, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई इसकी बात कर रहा हूँ, अब यहाँ से एरिया क्या होगा हाफ बेस, बेस अब कौन सा उस साइड वाला लेना है, तो ए ई इंटू और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी डी जी, ये हो गया। फिर उसके बाद एरिया अब कौन सा लेना है डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी हाफ, बेस कौन सा है यहाँ पे, बेस है ई सी और हाइट यहाँ पे भी क्या है डी जी। फिर यहाँ से कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई, ये लिखा हुआ है सी, ठीक है इज इक्वल टू, देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी कैंसिल और ये बच गया ए सी, क्लियर। अब यहाँ से देखिए क्या दिख रहा है, ए डी तो कॉमन है, यानी ए डी तो कॉमन दिख गया, डी ई बी और डी ई सी क्या ये भी कॉमन है, क्या ये इक्वल है डी ई बी डी ई सी, ध्यान से समझेंगे। तो मैं बता रहा हूँ डी डी ई बी और डी ई सी आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, जैसे ये एक यहाँ पर मैं प्रॉपर ट्रा करके बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से समझेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पे ड्रा है, ये लाइन यहाँ पे इसको ड्रा कर दूँ, तो जब सेम बेस पे दो ट्रायंगल
स्टैंड कर रहे होते हैं तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इधर से देखें तो दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे क्या कर रहे हैं, स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ से जो मैं लिखूंगा, सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। अब जब दोनों ये इक्वल हो गए तो मैं इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो दोनों से जब इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही लाना था मुझे। तो ये हो गया हैंस रूट। ओके, समझ पाए कैसे करना है? सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी लाइट की डिस्टर्बेंस थी। देखिए अब क्या है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो यही तो प्रूव करना था मुझे। ये हो गई बी पी टी, इसी को बोलते हैं बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आई होप मैंने बहुत इजी वे में इसको समझा दिया है। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो इसी तरीके के जो वीडियोस हैं जो सिमिलरिटी के, मैं क्वेश्चंस भी लगवाने जा रहा हूं, तो उनको देखें ध्यान से। देखिए स्टूडेंट, देखिए इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो मैंने बता दी, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ क्या लेते हैं आपसे, आपसे पूछ लेंगे ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी तो ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब आपसे एग्जाम पूछेंगे ए डी अपॉन ए बी, यानी ए डी अपॉन ए बी, यानी बड़े बड़े रेक्टेंगल को, और यहाँ से पूछेंगे ए ई अपॉन ए सी, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए ध्यान से, इस वाले को अगर मैं रेसिप्रोकल लिख लेता हूँ, ए डी अपॉन बी डी और सी ई अपॉन ए ई, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूँ, क्यों रेसिप्रोकल कर रहा हूँ ये भी समझिए। देखिए अगर ए डी में बी डी ऐड हो जाए, ए डी में बी डी कब ऐड होगा, ए डी में बी डी ऐड हो जाएगा तो ये ए बी मिल जाएगा, और ए बी मुझे चाहिए कहाँ, अपॉन में चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या करें? तो मैं क्या करूँगा, एडिंग वन ऑन दी बोथ साइड इज इक्वल टू, दोनों में ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी अपॉन में हो गया ए डी, और यहाँ से ऐड करेंगे ए ई प्लस सी ई अपॉन ई। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने होंगे आपको। तो ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी क्या हो गया, ए बी अपॉन में क्या हो गया, ए डी इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस ई सी या सी ई कह लें, तो ये पूरा हो गया ए सी और अपॉन में हो गया ए ई। या फिर इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो यही बन गया, देखिए ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी। तो ये भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रूव इट। तो ये किससे प्रूव करेंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब न्यूमेरिकल इजीली लग जाएंगे, तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सिमिलर चैप्टर 6 के हैं ट्रायंगल के। ठीक है, देखिए 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 बच्चों क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल कैसा है, ए बी सी ट्रायंगल है। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल, यानी कि जो डी है ये हो गया डी और ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है। ए डी अपॉन डी बी, ए बी ए डी अपॉन डी बी मुझे गिवन है, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू टू बाई थ्री, दिस इज गिवन। अब क्या कह रहा है, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू गिवन है 18 सेंटीमीटर, फाइंड ए ई, ए ई निकालना है और ए सी गिवन है। अब समझिए ध्यान से, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ये और ये, इसका रेशियो गिवन है, इसका रेशियो मुझे नहीं पता, तो कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू टू बाई बी पी टी, ये पढ़ रखा है आपने। अब ए डी अपॉन डी बी तो टू बाई थ्री हो गया, ए ई जो है मुझे निकालना है, ए ई मुझे निकालना है ए ई, और ई सी, ई सी क्या गिवन है, ई सी नहीं पता, ए सी गिवन है। तो अब मैं क्या करूँ, इसको एज इट रख लेता हूँ, और अगर इसमें वन ऐड कर दें और इसमें वन ऐड कर दें, ध्यान से समझेंगे क्या बात कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे वन ऐड करने पे मुझे ई सी मिल जाएगा, और ऊपर ए सी मिला, ई सी तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ए ई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड वन ना करके क्या करूँगा, इसका पहले रेसिप्रोकल करूँगा, तो इसको थ्री बाई टू जो भी पीछे बताया, और ये ई सी बाई ए ई हो गया। अब वन साइड क्या कर लीजिए, मतलब वन ऐड कर लीजिए, एडिंग वन ऑन दी बोथ साइड, तो ये ई सी अपॉन ए ई और प्लस वन, सॉल्व कर लीजिए तो टू प्लस थ्री बाई टू हो गया। इसको आप ऐड करेंगे ई सी प्लस ए ई,
अपॉन में कितना हो जाएगा ए, इतनी बात समझे। अब देखिए 2 और +3 ये हो गया 5/2 इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, ई सी ये ई सी और प्लस ए ई, ये टोटल क्या हो गया ए सी और बाई कितना हो गया ए ई। अब आपको ए ई निकालना है तो देख लीजिए ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ए इज इक्वल टू ए निकालना है तो ये 2 AC/5, तो 2/5 और ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 18, तो 18 2 36/5, 5 7 35 और 5 2 10 सेंटीमीटर, यानी कितनी आ गई 7.2 सेंटीमीटर आ गया ए। इसको ये लगाने का तरीका है, देखिए लग रहा होगा इजी है, इजी क्वेश्चन नहीं है ठीक है। क्या करना था आपको, सबसे पहले ए डी अपॉन डी वी गिवन था, ए डी अपॉन डी वी, और आपको ए सी गिवन था, निकालना आपको था ए, ये नहीं ये वाला पार्ट निकालना था। तो कैसे किया, पहले ए डी अपॉन डी वी गिवन था, ये हमने बी पी टी लिखा, बी पी टी से ये तो पता ही है आपको रिलेशन, ये रिलेशन आपको पहले ही मैंने बता चुका हूँ। इसकी जगह पे ये गिवन था ए ई अपॉन ई सी, मैं जैसे ही वैल्यू रखने चला तो ई सी तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए ए ई, तो मैंने क्या किया रेसिप्रोकल किया, 3/2 हो गया ई सी अपॉन ई सी, ऊपर चला गया ये नीचे आ गया रेसिप्रोकल करने के बाद। एडिंग ऑन द, यहाँ पे लिख लीजिए एडिंग वन, एडिंग वन ऑन दी बोथ साइड, दोनों साइड में क्या किया वन को ऐड कर दिया, जब वन ऐड किया तो ये 2 1 2 2 + 3 ये हो गया 5/2 हो गया, और जब ए ई इधर डिनोमिनेटर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी प्लस ए ई और अपॉन में ए ई हो गया, तो ई सी प्लस ए ई, देखिए ई सी प्लस ए ई क्या हो गया ए सी अपॉन ए ई, तो ए सी की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी गिवन है 18, तो 5 ये 18 2 36 और 13 36 को 5 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 7.2 सेंटीमीटर। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक कर लें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू एवरीवन।